शंकर भगवान कहते हैं गणेश ये दुर्वा बुधवार के दिन अष्टमी तिथि के दिन जो अष्टमी बुधवार इस बार पड़ रहा है उस दिन समर्पित करिए। अनलासुर को गणेश जी निगल गए, उधर में जलने लगा, उधर जल रहा है, तपन हो रही है। भगवान गणेश दौड़ कर आए भगवान शिव के पास। शंकर भगवान ने कश्यप ऋषि को देखा, कश्यप ऋषि गए और दुर्वा तोड़ कर लिया। दुर्वा लाकर गणेश जी को दी, गणेश जी ने दुर्वा चबाना चालू करी। अंदर जो अनलासुर था भगवान शंकर की प्रसादी पाकर अनलासुर तृप्त हो गया, भगवान के पेट की जलन समाप्त हो गई। गणेश जी महाराज ने कश्यप ऋषि से कहा, सुनो कश्यप बाबा, आपने मुझे दुर्वा समर्पित करी है, ये दुर्वा जो मुझे देगा वो वैभव प्राप्त करेगा, जो दुर्वा मुझे समर्पित करेगा उसके जीवन में रोग दूर हटेगा। शंकर भगवान कहते हैं गणेश ये दुर्वा बुधवार के दिन अष्टमी तिथि के दिन जो अष्टमी बुधवार इस बार पड़ रहा है उस दिन समर्पित करिए। इस दुर्वा का अलग अलग महत्व है। कुएं के पास की सफेद दुर्वा, यदि 41 दुर्वा प्रत्येक बुधवार को गांठ लगाकर गणेश जी को समर्पित कर वापिस उठाकर उस दुर्वा को खाली पेट, आपके घर में भी गणेश जी होंगे उनको समर्पित करो, खाली पेट इस दुर्वा को केवल चबा चबा कर खा लो और आधे घंटे बाद पानी को पी लो। बुधवार की बुधवार पांच बुधवार करना, गणेश जी को चढ़ाना, सफेद दुर्वा को गणेश जी को समर्पित कर चबा चबा कर खाना, उदर की प्रॉब्लम जो भी मसा आदि की प्रॉब्लम होती है उदर से जुड़ी हुई होती है, जिस चीज से जुड़ी होगी, पेट की जितनी प्रॉब्लम होगी आपको, जितनी भी प्रॉब्लम होगी वो सारी पांच बुधवार करना, छठे बुधवार को जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जितनी भी प्रॉब्लम हो पेट से, शिव महापुराण की कथा कहती है पंचमी तिथि के दिन चतुर्थी के दिन सात गांठ वाली दुर्वा 21 ले लो और चतुर्थी के दिन गणेश जी को समर्पित कर दो। पंचमी तिथि को उस दुर्वा को उठाकर दूध में डाल दो और उस दुर्वा को दूध में डालकर उस दूध में उस दुर्वा को मल लो और जिसके सफेद चमड़ी पड़ गई हो, चर्म रोग हो गया हो, उस दूध को उस दुर्वा के साथ, दूध नहीं भी हो तो पंचमी के दिन दुर्वा का लेपन शरीर पर कर लें। आधे घंटे तक करने पर पंचमी को प्रदोष काल में स्नान कर लें महाराज, आपको चर्म रोग में आराम लग जाएगा, सफेद चमड़ी अपने असली रंग में आना प्रारंभ हो जाएगी। गणेश पुराण दुर्वा का मूल बता, 21 दुर्वा के 108 बंडल बना लो। अगर एग्जाम में बैठ रहे हो, सरकारी परीक्षा में बैठ रहे हो, पास नहीं हो रहे, नौकरी नहीं लग रही, बहुत जगह इंटरव्यू दे दिया, 21 दुर्वा के 108 बंडल बनाओ, उसकी माला बनाओ और देवी के मंदिर में, माता जगदम्बा के मंदिर में, अर्थात जहां शंकर पार्वती पूर्ण परिवार विराजमान हो, ऐसे देवी के मंदिर में गणेश जी के गले में वो माला अर्पण करिया है, अपना नाम बोलकर और जिस एग्जाम में बैठ रहे हैं उसका भाव वर्णन कर महाराज, और वहीं से एक पुष्प लेकर अपने कमरे में जहां पढ़ते हो कांच की प्लेट में उस फूल को रख दीजिए और दूसरे दिन एग्जाम के लिए चले जाइए, आपको उसका फल अवश्य मिलेगा। दुर्वा सुख का अनुभव करा देता। तो यहां शास्त्र कह रहा है दुनिया कुछ भी कहे,